गाइज वेलकम मैं सुनील अटोकार। सो आज आप सभी के सामने पेश है अपने सेगमेंट की भाई साहब बेहतरीन सी 4-स्टार रेटेड हैचबैक कार हमारी ऑल न्यू टाटा टियागो। और अभी आप लोग देख रहे हैं टियागो के XTO वेरिएंट को, तो आज इसी को भाई साहब प्रॉपर डिटेल में कवर करेंगे और साथ ही में बात करेंगे इस गाड़ी की सारी स्पेसिफिकेशन के बारे में। तो अगर आप भी अपना बजट 5,65,000 से लेकर 8,00,000 के रेंज का लेके चले तो आप जा सकते हैं इस कार के साथ। इस गाड़ी में आपको बड़े तगड़ी से मिलेगी 4-स्टार की सेफ्टी रेटिंग। एंड वेरिएंट्स की बात करें तो यहाँ पे इसका बेस रहेगा XC, उसके बाद XT, XTO, XT रिदम एंड XZ प्लस इसका टॉप मॉडल देखने को मिल जाता है। इंजन स्पेक वही आपको उसमें पेट्रोल एंड CNG दोनों ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। अभी तो भाई साहब ये फर्स्ट इन सेगमेंट होने वाली है जिसमें आपको CNG के साथ साथ बड़े ऑटोमेटिक का भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, जो इस सेगमेंट की आपको दूसरी कार्स में देखने को नहीं मिलता है। व्हाइट कलर में आप देख रहे हैं कलर ऑप्शन भी आपको उसमें काफ़ी वैसे ऑफर किए जाएंगे। सबसे पहले आपको अगर दिखाए इस गाड़ी की चाबी तो भैया इस तरह कुछ फ्लिप रिमोट सेंट्रल लॉकिंग की रहेगी, जहाँ पे लॉक अनलॉक फुल में हेडलैम्प्स का बटन, पीछे रहेगा टाटा का लोगो और दूसरी आपको दी जाएगी नॉर्मल सी यहाँ पे की। फ्रंट ग्रिल वगैरह यहाँ पे देखेंगे पूरी ग्लॉसी ब्लैक फिनिश में आपको मिलती है ट्रेरो डिजाइन पैटर्न के साथ, नया अपडेटेड वाला टाटा का लोगो जो देखने में पहले वाली से काफ़ी अच्छा सा लग रहा है। हेडलैम्प्स वगैरह आपको नॉर्मल हाइड्रोजन बेस यहाँ पे देखने को मिलेंगे इस वेरिएंट के साथ। टॉप में अपना प्रोजेक्टर्स मिलते हैं, साइड में यहाँ पे देखेंगे इंडिकेटर्स की प्लेसमेंट। फॉग लैंप्स वगैरह की हाउसिंग दी गई, बाद में चाहे तो एज अ एक्सेसरीज यहाँ पे लगवा सकते हैं, टोंगी का ऑप्शन यहाँ पे रहेगा। एंड ये जो देख रहे हैं ना ग्लॉसी ब्लैक फिनिश वाली स्ट्रिप, यहाँ पे टॉप में मिलते हैं इसके जगह पे DRLs। लोअर ग्रिल वगैरह पूरी ब्लैकआउट यहाँ पर रहती है इस कार की। एंड ग्राउंड क्लियरेंस इस कार में आपको मिलने वाला है 170 mm का। अब आइए इसके बाद चलते आगे की तरफ, तो यहाँ पे इसका डुअल वाइपर एंड वॉशर की प्लेसमेंट, आगे रहेगा इसका पावर एंटीना। साइड प्रोफाइल से देखेंगे तो ये रहेगी बेहतरीन सी ये हमारी कार। वारंटी वगैरह वही आपको उसमें मिलती है 2 साल 1,00,000 किलोमीटर की, जिसको चाहे तो आगे भी आप कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस देके आगे एक्सटेंड करा सकते हैं। इस सेगमेंट की अगर आप दूसरी कार्स में जाएंगे तो आपको मारुति वैगनार, हुंडई ग्रैंड एड, नियोज जैसे ऑप्शंस मिलेंगे, बट उसमें ना आपको इस तरह बेहतरीन सी 4-स्टार की सेफ्टी रेटिंग देखने को नहीं मिलेगी उन सभी कार्स में। हालांकि फीचर्स भले आप उसमें एक दो एक्स्ट्रा मिल जाए इस वाली कार से। वारंटी यहाँ पे आपको हाइपर स्टाइल स्टील में यहाँ पे देखने को मिलेंगे 14 इंचेस के। टॉप में जाएंगे तो आपको एलॉस का भी ऑप्शन रहेगा इस कार के साथ। और डायमेंशन की बात करें अगर इस कार की, तो वही 3765 mm की इस गाड़ी के यहाँ पे लंबाई, 1677 mm की इसके यहाँ पे विथ एंड 1532 mm की इस कार के यहाँ पे हाइट देखने को मिल जाएगी। एंड व्हील बेस आपको इसमें ऑफर किया जाएगा 2400 mm का। तो ये हो गई यहाँ पे इस गाड़ी की पूरी डायमेंशन वगैरह। ये देख रहे हैं ना भाई सब हैंडल वगैरह सेम बॉडी कलर ग्लॉसी ब्लैक फिनिश में। इसके यहाँ पे आपको मिलने वाले आउटसाइड मिरर्स जो रहेंगे इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल, तो भाई साहब नहीं है, इंडिकेटर्स की प्लेसमेंट इसी में आपको देखने को मिल जाएगी। नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे 14 इंच के हाइपर स्टाइल स्टीलिंग रहने वाले, आगे डिस्क ब्रेक्स यहाँ पे रहते हैं, पीछे ड्रम ब्रेक्स। MRF के टायर्स आपको कंपनी ऑफर कर रही है। टायर प्रोफाइल 175/65 14 इंच के यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। इतना कुछ यहाँ पे रहता है इसका ट्रैवल। चाबी मैंने आपको दिखाई दी है कि रिमोट सेंट्रल लॉकिंग की, दूसरी रहेगी नॉर्मल मैनुअल की। बी पिलर वगैरह मैट ब्लैक फिनिश में। एंड आप अंदर की बात करें तो ये भाई साहब इसका पूरा डुअल टोन में डैशबोर्ड। अब भाई साहब अंदर देख के आप सोच रहे होंगे ऑडियो सिस्टम तो है नहीं, तो भाई साहब इस XTO में क्या होता है ना, ऑडियो सिस्टम रिवर्स पार्किंग कैमरा अभी शोरूम से लगाया जाएगा, जिसकी कॉस्ट भाई साहब यहाँ पे इंक्लूडेड रहेगी इसके ऑन रोड प्राइसिंग में। तो ये दो चीज़ें लगती है, जब भी भाई साहब गाड़ी की डिलीवरी होगी तो प्रॉपर यहाँ पे लगा के दिया जाएगा। एंड स्पीकर्स भाई साहब कंपनी आपको देती है, ये डोर्स में ना स्पीकर्स ऑलरेडी लगे हुए, सिर्फ यहाँ पे लगेगी टच वाली स्क्रीन, इसी के साथ रिवर्स पार्किंग कैमरा। इसको करेंगे यहाँ पे बंद, पिलर्स दिखाई दिया मैंने, पीछे आएंगे तो यहाँ पर रहेगा इसका फ्यूल का फिलर, जहाँ से आप इसमें डलवाएंगे पेट्रोल। 35 लीटर यहाँ पे फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलेगी इस कार की। पेट्रोल वाला वेरिएंट है भाई साहब, CNG वाले में जाएंगे तो उसका भी नाजुल यहीं पे मिलेगा। तो ये यहाँ पे हो गया इसका फ्यूल का फिलर, बाकी साइड से मैंने आपको दिखाई दिया। और इसी के साथ बात करें अगर इसके कलर ऑप्शन के बारे में, तो व्हाइट कलर में आप इसको देख रहे हैं, व्हाइट, रेड, ब्लू, ग्रे, मिडनाइट प्लम्प, ये काफ़ी सारे आपको उसमें कलर ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। इस सेगमेंट की दूसरी कार्स में जाते हैं इसे मारुति वैगनार, हुंडई ग्रैंड एड, नियोस में, तो इससे आपको कुछ फीचर्स तो भले आपको एक दो एक्स्ट्रा मिल जाएं, बट ये वाली आपको सॉलिड सी 4-स्टार की वहाँ पे सेफ्टी रेटिंग यानी कि बिल्ड क्वालिटी वहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगी। आप चलेंगे गाड़ी की बैक प्रोफाइल की तरफ, भाई सब लोगो ही चेंज हुआ है, लेकिन लोगों की वजह से ना काफ़ी कुछ यहाँ पे लग रहा है ना कि भाई डिफरेंट लग रहा है पहले वाली से, क्योंकि इसकी वजह से ना भाई सब थोड़ा पे लुक्स पहले से ना छू चुके हैं इस कार। तो सेंटर में सबसे पहले देखेंगे टाटा का लोगो, यहीं पे टियागो की बैजिंग। ऊपर आएंगे भाई सब कोई भी आपको यहाँ पे रियर वाइपर डिफॉगर नहीं मिलेगा इस फ्रेंड के साथ। हाई माउंट स्टॉप लैंप ऊपर की तरफ यहाँ पे देख सकते हैं, ये इसका स्पोर्टी सा पैड आपको मिलेगा ग्लॉसी ब्लैक फिनिश में। यहाँ पे इसकी बैकलाइट्स वही नॉर्मल हैलोजन बल्ब वाली रहेंगी। ऑन करेंगे तो भाई सब इस तरह कुछ दिखती है, इसी में यहाँ पे इंडिकेटर्स, रिवर्स लाइट दोनों चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। दो रिवर्स पार्किंग सेंसर्स यहाँ पे इसके बम्पर में सेम। नीचे का देखेंगे इसका पूरा रियर सस्पेंशन सेटअप, इस तरफ इसकी ये एग्जॉस्ट पाइप। तो बैक से आपने देख लिया ना पूरा इस गाड़ी को। अब भाई सब चलेंगे इसके बोर्ड स्पेस की तरफ, चाबी से भी इसको आप खोल सकते हैं, बाकी आगे लीवर मिलेगा वहाँ से भी आप इसको अनलॉक कर सकते हैं। तो इस कार में आपको मिलता है 242 यानी कि 242 लीटर का बोर्ड स्पेस इस कार के साथ। एंड CNG वेरिएंट्स में जाएंगे तो वहाँ पे भाई साहब ट्विन सिलेंडर प्लेस होंगे, तो आधा सौ भाई सब पूरा बोर्ड स्पेस चला जाएगा, मतलब इतने से दोनों टैंक लगे होंगे, तब भाई साहब क्या होगा इतने के ऊपर वाला आपको मिलेगा स्पेस, तो वहाँ पे भाई साहब सीधा सीधा आधा हो जाएगा बोर्ड स्पेस कम।
पार्सल ट्रे ये देख लीजिए, इसको हटाना तो हटा भी सकते हैं। आगे का डैशबोर्ड टच स्क्रीन अभी लगेगी भाई साहब, उसको मतलब एज अ ऐड करके चलिएगा कि यहाँ पे आप जब भी गाड़ी लेंगे XTO में तो वहाँ पे आपको टच वाला बढ़िया इंफोटेनमेंट देखने को मिल जाएगा। उस रिक्शा रिवर्स पार्किंग कैमरा, यहाँ पे अपना पूरा सामान वगैरह रख दीजिए। इधर देखेंगे तो कुछ भी अपना 3 kg तक पन्नी थैली वगैरह टांग सकते हैं दोनों साइड, उसका हुक रहेगा। और स्टेपनी वाला जो टायर आपको दिया जाएगा ना वो यहाँ पर रहता है नीचे की तरफ, ये नॉर्मल सा स्टीलिम यहाँ पे देखने को मिलता है। एंड इसका साइज अगर आपको दिखा दें ये भाई साहब 13 inches का, एक साइज छोटा रहेगा। एंड जैक टूल पाना सारी चीज़ें आपको यहीं पर रखी हुई दिख जाएंगी। तो चलिए इसको बंद करते हैं फिर चलेंगे कार के अंदर। तो ये आपने देख ली इसकी प्रॉपर पूरी बैक प्रोफाइल, अभी भाई साहब चलेंगे गाड़ी के अंदर बैठ के देखते हैं इसके इंटीरियर में क्या कुछ रहने वाला है। ये तो भाई साहब हैच बैक थी, अगर आप चाहते ना बूट स्पेस भी आपको ज़्यादा मिले एंड आपको सेडान का मजा है 4-star की सेफ्टी रेटिंग के साथ, तो आपको ऑप्शन मिलेगा स्टार्टर टियागो का। ये भाई साहब इसका टॉप मॉडल खड़ा हुआ है ब्लू कलर पे, देख रहे हैं ना कितने एकदम झक्कास से लग रही है। अगर आपको इसका डिटेल वीडियो देखना हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को विजिट करके देख सकते हैं, ऑलरेडी मैंने इसको पोस्ट कर रखा है। तो चलिए अब आते हैं अपने टियागो की तरफ। अब सबसे पहले क्या करते हैं भाई साहब, चलेंगे गाड़ी के अंदर बैठ के देखते हैं इसका प्रॉपर स्पेस। सेलिब्रेशन वाला टैग आपको टाटा की सभी गाड़ी में देखने को मिलेगा। एंड ये जब भाई साहब खोलेंगे गाड़ी तो हो चुकी है यहाँ पर लॉक, सबसे पहले करेंगे इसको अनलॉक। डोर वगैरह देखेंगे पूरी यहाँ पे डुअल टोन में, ऊपर इसका डोर ओपनर, पारोंडो का यहाँ पे कंट्रोल, नीचे स्पीकर्स, बॉटल डोर आपको देखने को मिल जाएगा। सीट्स वगैरह सारी यहाँ पे फैब्रिक की रहेंगी। अंदर बैठने के बाद ये भाई साहब डैशबोर्ड टच स्क्रीन फिर अगेन मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे भी लगेगी इसमें। एंड ऊपर यहाँ पे रूफ लाइट भाई साहब देखिए व्हाइट वाली आपको देखने को मिलेगी बेहतरीन सी। इधर जाएंगे तो यहाँ पे ग्रैब हैंडल, इधर के देखेंगे डोर वगैरह, पीछे रहेगी पार्सल ट्रे, कुछ भी अपना इस पे हल्का फुल्का छोटा मोटा सामान रख सकते हैं। हेडरेस्ट वगैरह हालांकि आपको फिक्स मिलेंगे, 3 points मिलेंगे सीट बेल्ट के। ट्रायरो डिजाइन के पैटर्न के साथ आपको फैब्रिक की सीट्स यहाँ पे जाएंगे। तो लेग रूम नीरूम वगैरह 2400 mm है तो भाई साहब उसी हिसाब से आपको उसमें मिलेगा एवरेज सा इसका स्पेस। एंड थाई स्पोर्ट तो भाई साहब ठीक रहेगा इस गाड़ी का। यहाँ पे बॉटल होल्डर अपनी बढ़िया पानी वाली बॉटल वगैरह लगा सकते हैं, कुछ भी सामान रख लीजिए। हब वगैरह रहेगा भाई साहब 4 angles के आसपास, दो बंदे आराम से बैठेंगे, थर्ड पर्सन अगर यहाँ पे एडजस्ट करेंगे तो थोड़ी सी भाई साहब आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। अब आइए चलते आगे की तरफ, आगे से देखते क्या कुछ रहेगा इस कार में। यहाँ पे डोर्स में देखेंगे चाइल्ड लॉक वगैरह, हैंडल मैंने आपको दिखा दिया, इसी चाबी से भाई साहब आपको अपनी गाड़ी को लॉक अनलॉक करना पड़ेगा। खोलेंगे इसकी डोर तो अगेन वही फिर डुअल टोन में देखेंगे इसकी पूरी डोर, डैशबोर्ड का पूरा व्यू। यहाँ पे देखेंगे चारों पाउंडर्स के कंट्रोल्स, डोर ओपनर पूरा ब्लैक फिनिश में, ORVM एडजस्टमेंट के कंट्रोल्स यहाँ पे, नीचे स्पीकर्स, बॉटल होल्डर की प्लेसमेंट मिलती है इनकी डोर्स में। सीट्स वगैरह वही ट्रायरो डिज़ाइन पैटर्न के साथ फैब्रिक के रहेंगे। हाइट एडजस्टमेंट, सीट रिक्लाइन भाई साहब दोनों ऑप्शन आपको मिल जाएंगे इस XTO वेरिएंट के साथ ही साथ। नीचे जाएंगे तो इसका फील्ड लीड ओपनर, बूट ओपनर दोनों चीज़ें, ये भाई साहब इसके मैनुअल ट्रांसमिशन के ABC पैडल, साइड में रहेगा डेड पैडल। आगे की अगर आपको बोनेट वगैरह खोलना तो यहाँ पे आपको दिया गया उसका लीवर। अब आइए लगाते भाई साहब इसको चाबी को बैठते गाड़ी के अंदर। तो दोस्तों अभी आ चुके कार के अंदर भाई साहब, स्टीयरिंग टेढ़ी टेढ़ी कहा है भैया ये इस वजह से, इग्निशन ऑन किया, स्टीयरिंग थी लॉक, ये हो गई भैया सीधी, ये देखिए नया वाला बड़े साहब हो गया टाटा का लोगो। इस साइड जाएंगे ना तो भैया यहाँ पे भी जो लगेगी टच स्क्रीन उसके यहाँ पे सारे माउंट कंट्रोल्स आपको पहले से दे गए, ये चीज़ अभी ये लगानी बाद में। तो यहाँ पे हो गए भैया इसके ऑडियो सिस्टम के सारे कंट्रोल्स, यानी कि जो रहेगी टच स्क्रीन, यहाँ से अपना ट्रैक वगैरह जो भी करना सब चीज़ें चला सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। क्लस्टर भाई साहब ये पूरा डिजिटल यहाँ पे मिलेगा इस तरह को, देखेंगे काफ़ी सारी चेकलाइट्स वगैरह इस साइड यहाँ पे स्कॉर्पियो मीटर। इधर जाएंगे तो यहाँ पे फ्यूल गेज वाली इन्फॉर्मेशन, ऊपर यहाँ पे टेम्परेचर वाले बार्स, बीच में इसकी MID स्क्रीन, मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले, ऑडियो दिखा रहा 37 गाड़ी चल चुकी है, बाकी और प्रेस करेंगे ट्रिप बी एवरेज वगैरह 8 का दिखा रहा है, वैसे 18 से 20 तक आपको आराम से इसमें मिल जाएगा। तो ये रहेगी इसमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन। टॉप मॉडल में आपको TPMS भी मिलेगा जो लोअर रेंट्स में आपको देखने को नहीं मिलता है। अब आते भाई साहब स्टीयरिंग की तरफ, ये हो गया ना, इधर यहाँ पे रह गया था इस करेंगे ये मैनुअल हेडलैम्प्स के सारे कंट्रोल्स, यहाँ पे जाएंगे तो वाइपर्स के कंट्रोल्स, स्टीयरिंग आपको ये टिल्ट, हाँ टिल्ट एडजस्टेबल देखने को मिल जाएगी, ये हो गई फिक्स। ये भाई साहब सेंटर कंसोल, हजार लाइट का स्विच हो गया, AC वेंट्स, इसके सराउंडिंग यहाँ पर देखेंगे क्रोम ट्रीटमेंट, यहाँ पे भी लगेगी बढ़िया सी एंड्रॉयड वाली टच स्क्रीन तो वो लगेगी, उसी के साथ रिवर्स पार्किंग कैमरा, दो चीज़ें भी यहाँ पे लगानी बाकी हैं इस XTO वेरिएंट के साथ। नीचे मैनुअल AC के सारे कंट्रोल्स, यहाँ से फैन स्पीड वगैरह, से टेम्परेचर वगैरह अपना घटा बढ़ा सकते हैं। टाइप ए USB का पोर्ट, 12 volt का चार्जिंग आउटलेट, यहाँ पे अपना कुछ भी छोटा मोटा सामान रख सकते हैं। 5 speed इसका मैनुअल ट्रांसमिशन देख रहे हैं, बाकी चाहे तो ऑटोमेटिक में भी जा सकते हैं। अभी तो भाई साहब इसके CNG में भी बढ़िया ऑटोमेटिक का ऑप्शन मिलेगा जो भाई साहब फर्स्ट इन सेगमेंट रहेगा इस कार में। दो ग्लास होल्डर्स यहाँ पे हो गए, मैनुअल हैंड ब्रेक हो गई, इधर की डोर ट्रिम, डुअल एयरबैग आपको मिलेगा जो रहेगा स्टैंडर्ड, एक यहाँ पे दूसरा यहाँ पे। ग्लव बॉक्स में अगर देखेंगे तो इतना कुछ स्पेस रहता है एंड ये आपको नॉर्मल से दिया जाएगा, कोई कोल्ड वगैरह नहीं रहेगा। ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे टैबलेट होल्डर, ये हो गया भाई साहब बंद, मैनुअली एडजस्टेबल इसका यहाँ पे IRVM माइक वगैरह रहेगा बढ़िया बात बात करने के लिए। इधर सनवाइजर में देखेंगे टिकट होल्डर,
इस साइड यहाँ पे कुछ भी नहीं रहेगा, तो पूरा प्लेन्स आपको दिया जा रहा है। इसका सनवाइजर, ग्रैप हैंडल वगैरह मैंने आपको दिखाई दिया। तो यही थी हमारी 4-स्टार रेटेड हैचबैक कार का अंदर का पूरा डैशबोर्ड। आपको भाई साहब कैसा लगा आप मुझे बताएगा कमेंट सेक्शन में। हाँ भाई साहब, ये तो जरूर है कि यहाँ टाइम के साथ थोड़े से यहाँ पे फीचर्स ऐड करना चाहिए टाटा को, जो यहाँ पे भाई साहब मिसिंग रहते हैं इस हैचबैक कार में। हालांकि उसकी जगह पे अगर भाई साहब देखें ना, क्योंकि हर गाड़ी सर्वगुण संपन्न नहीं होती, तो यहाँ पे भाई साहब आपको बिल्ड क्वालिटी मिल रही है जो आपको दूसरी हैचबैक कार्स में नहीं मिलती, बट यहाँ पे कुछ फीचर्स से आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। चलिए अभी भाई साहब ऑफ करते हैं इसका इग्निशन को और चलते गाड़ी के बाहर, फिर बात करते हैं इसके इंजन स्पेक, प्राइसिंग एंड फीचर्स के बारे में। तो ये सब तो भाई साहब हो गया ना, अब दिखाते हैं आपको इसका इंजन स्पेक। खोलते हैं सबसे पहले इसके बोनट को, डोर हो गए बंद। तो ये आप देख रहे हैं इस कार के यहाँ पे 1.2 लीटर 3 सिलेंडर रिवर्टॉन पेट्रोल इंजन ऑप्शन, जिसमें आपको 86 पीएस की पावर, 113 न्यूटन का टॉर्क मिल जाता है, समथिंग वही 18 से 20 एमपीएल का माइलेज। वैसे भाई साहब बोलते हैं ना कि टियागो में 20 तक आराम से माइलेज देखने को मिल जाता है, वो भी वो डिपेंड करेगा आपके ड्राइविंग स्टाइल पे। सीएनजी वेरिएंट्स में जाएंगे तो वहाँ पे आपको पावर फिगर थोड़ी कम मिलेगी, उसमें आपको वही 72 पीएस की पावर, 95 एनएम का टॉर्क मिलेगा, समथिंग 26 का माइलेज सीएनजी वेरिएंट के साथ। इंजन की प्लेसमेंट अगर आपको दिखा दे, इस तरह रहता है। 3 सिलेंडर भाई साहब आपको टाटा सभी अपनी गाड़ी में देता है, टियागो में जाइए, टिगोर में जाइए, या जाइए नेक्सॉन या अल्ट्रॉस में। इधर एबीएसबीडी वाली यूनिट वगैरह पे बैटरी वगैरह पूरा कंपार्टमेंट, इंसुलेशन वगैरह भी आपको बड़े प्रॉपर देखने को मिल जाएगी। तो चलिए इसको करते हैं बंद, फिर बात करते हैं इसकी प्राइसिंग के बारे में। और अब फाइनली बात करें अगर इसकी प्राइसिंग के बारे में कि भाई साहब ये जो आप इसका एक्सटीओ पेट्रोल वेरिएंट देख रहे हैं ना, तो इसकी कीमत कितनी रहेगी, तो ये आपको पड़ेगा 6,20,000 एक्सोरूम एंड वही जाएगा समथिंग 7,06,000 के आसपास ऑन रोड लखनऊ। सेफ्टी फीचर्स में आपको इस कार में ABS विद EBD, 12 एयरबैग, रिवर्स पार्किंग सेंसर, रिवर्स पार्किंग कैमरा, स्पीड एलर्ट सिस्टम, सीट बेल्ट वार्निंग, इंजन इम्बलाइजर, जैसे यहाँ पे काफी सारे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं 4-स्टार रेटेड हैचबैक कार के साथ। तो यही था आज हमारा वीडियो टाटा टियागो पे। अगर आज का हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एंड स्पेशल थैंक्स SRM मोटर्स कानपुर रोड लखनऊ, जिन्होंने वीडियो बनाने का मौका दिया। इनकी सारी कॉन्टैक्ट डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी। तो मैं सुनील, फिर मिलता हूं आपको किसी बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।